इतना स्पॉन्जी नाश्ता आप देख रहे हैं, ये आज हमने इसे बनाया है रात के बचे हुए चावलों से। तो आप भी रात में अगर चावल बच जाते हैं जिसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप भी इस तरह की बिल्कुल नई तरह की रेसिपी इस चावल से ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी चटनी। तो रेसिपी को आप पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिये यहाँ पर एक कटोरी मैंने चावल ले लिए जो की रात के हैं, उबले हुए चावल हैं। अब हमें क्या करना है, इन चावलों को एक मिक्सी के जार में डाल देना है। तो आप भी लेफ्ट ओवर चावल से काफी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज बना के तैयार कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों को ये जो आज की रेसिपी है ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आपने इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर करना है और इसके साथ ही हमें आधा कप दही ले लेना है। आपका जो दही होगा वो थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए या फिर आप नॉर्मल घर का भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी खटास होती है तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है। इसके साथ ही मैंने इसमें एक हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाला है। पानी डालकर इन सारी चीजों को आपको मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपने इसकी प्योरी सी बना के कर ली है तैयार, एकदम फाइन सी प्योरी आपको यहाँ पर इसकी बना लेनी है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल रिबन वाली कंसिस्टेंसी यहाँ पर इस नाश्ते की हमारी बनके हुई है तैयार। अब क्या करेंगे, एक बाउल में इसे हम निकाल देंगे और इसके बाद हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे। कुछ देर बाद जब हम इसे चेक करेंगे तब तक हम यहाँ पर एक स्पेशल सी चटनी बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 कप यहाँ पर भुना हुआ चना हम ले लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जितना हमें चना लेना है उसकी आधी क्वांटिटी यहाँ पर हमने मूंगफली की ले ली है, कच्ची मूंगफली। आपके पास अगर भुनी मूंगफली हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा। स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल दें। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही और इसके बाद हम इसे कवर करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले और कवर करके हम इसका एक फाइन सा यहाँ पर चटनी बना के कर लेंगे तैयार। देख सकते हैं यहाँ पर इसकी चटनी फाइन सी बन के तैयार हो चुकी है। ये चटनी बहुत बढ़िया बनती है। अभी हम इसमें एक स्पेशल सा तड़का भी देंगे। एक बाउल में हम इसे निकाल लेंगे और तेल को यहाँ पर गरम कर लेंगे। इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से गर्म कर लें। थोड़ा सा यहाँ पर उड़द दाल डाला है मैंने और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1 सूखी मिर्च, थोड़ी सी हींग डालेंगे और अच्छे से इसे क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें तड़के को इस चटनी के ऊपर लगा देंगे और हमारी जो टेस्टी सी चटनी है, अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप इस तरह से बहुत टेस्टी सी चटनी बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो बैटर रेस्ट कर रहा था चावल का, इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज, यहाँ पर आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे, हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये ज्यादा तीखी नहीं होती है तो आप बच्चों को बहुत आसानी से इस नाश्ते को खिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, इससे ज्यादा तीखापन नहीं आता है। और अब इन सारी चीजों को हमें कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। मैंने बहुत कम चीजों से आज ये नाश्ता बना के तैयार किया है और जब आप इसे खाएंगे ना तो आप बाकी सारे नाश्ते भूल जाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी फ्रेंड्स पसंद आ रही हो तो प्लीज आपको एक नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हो और लाइक करना भूल जाते हो। अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट के लिए आपको फेंट लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हो, पहली बार मेरी आज वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे सारी वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा, आप इसकी जगह पर इनो भी डाल सकते हैं। तो 1/4 हमने यहाँ पर चम्मच डाला है इसमें बेकिंग सोडा, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होता है, आपका जो नाश्ता है वो बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का बनता है। अब एक तवे को आपको कर लेना है बहुत अच्छे से गर्म। तवा जब गर्म हो जाएगा हम इसे इसकी आंच को, और एक बात का ध्यान रखना है कि तवा जो है ना वो आपको हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है, मीडियम या फिर लो फ्लेम पर ही गरम करना है। एक बार आप जब बैटर डाल दें तो इसकी आंच को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाना है और ये जीरो ऑयल रेसिपी है। मैंने बहुत ही कम ऑयल में आज इस नाश्ते को बना के तैयार किया है। आप चाहें तो इसमें ज्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन जब ये कम ऑयल में बन सकता है तो हम क्यों ज्यादा ऑयल डाल के अपनी हेल्थ के साथ थोड़ा सा भी रिस्क लें। तो थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसमें होल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारा बैटर है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी मैं इसके ऊपर से, ताकि जो नाश्ता है वो देखने में काफी अच्छा लगे। आप इसमें कोई भी टाइप का मसाला जो आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। अब आप इसे कुछ सेकेंड के लिए सिकने दें, बहुत ही जल्दी एक साइड से ये सिक जाता है। आपको इसे बनाने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत अच्छे से सिक चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा पलटेंगे नहीं,
बस एक प्लेट पर निकाल लेंगे, और आप चाहें तो इसे पलट भी सकते हैं इस तरह से। आप इसे बिना पलटे भी खा सकते हैं क्योंकि ये पूरा सिक चुका होता है। अगर आप इसे पलटना चाहें तो कुछ सेकंड के लिए आप इसे पलटें, दोनों साइड से आपको इवनली इसे नहीं सेकना होता है। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी सा हमारा बचे हुए चावलों का यहाँ पर जो नाश्ता है बनके हुआ है तैयार। आप इसे प्लेट पर निकालें और एक एक करके यहाँ पर हम सारे के सारे नाश्ते के पीसेस इसी तरह से बना के कर लेंगे तैयार। ये देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ पर इस नाश्ते का लुक आया है, और कोई यकीन नहीं करेगा आपने इससे बचे हुए रात के चावलों से बनाया है। तो देखिए एक एक करके मैंने थोड़े से चावल से कितना ढेर सारा नाश्ता यहाँ पर कर लिया है बना के तैयार, और ये बच्चों का तो फेवरेट होने वाला है। तो आप इसे इस चटनी के साथ बना के जरूर ट्राई करें, और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप कहां से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए कितना स्पॉन्जी है, हाथों में रख रहे हैं तो एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट सा बन के हुआ है तैयार। तो आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस चटनी के साथ तो इसमें चार चांद लग जाते हैं, मैं कहूँ तो बहुत टेस्टी चटनी बनती है। तो ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक।